जी तो मैं मौजूद इस टाइम पेशावर में, वह ना कि हम पेशावर को एक्सप्लोर करेंगे, तो हम चलते हैं। इस टाइम अब टाइम काफ़ी हो रहा है, अब हम बिल्कुल निकलने लगे हैं इधर पेशावर, देखते हैं पेशावर में क्या कुछ है। तो हम अभी चल पड़े हैं और हम जा रहे हैं बाबे खैबर। अभी क्योंकि हम बाइक्स पे हैं, तो उससे पहले हमें ज़रूरी है कि हम अपना पेट्रोल अपना फुल रखें, और अब हमारे साथी जो हैं बिल्कुल हमारे पीछे जो पेट्रोल डलवा रहे हैं, बस हम फिर अब यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि नमाज़ पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप कहीं भी फिरने जाएँ, कहीं भी कोई चीज़ एक्सप्लोर करने जाएँ, किसी भी शहर से फिरें, अगर नमाज़ का टाइम कहीं पे होता है तो सबसे पहले आप रुकें और वहाँ नमाज़ पढ़ें। और बस हम यहीं पर नमाज़ पढ़ने एक मस्जिद में रुकें, यहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे और बस फिर हम आगे कैबर पास की तरफ जाएँगे। तो मैं मौजूद हूँ इस टाइम बाबे खैबर पे। बाबे खैबर जो है ये खैबर एजेंसी में वाक़ है, और ये पेशावर के मगरिब में है। ये राहदारी जो है, ये अगर इसकी हिस्ट्री हम जाने तो यहाँ से बहुत सारे जंग जो और बहुत सारे इन्वेडर्स यहाँ से गुजरे हैं, जो यहीं से गुजरे हैं और आगे जा कर उन्होंने मुख्तलिफ इलाके फ़तह किए। तजारत के वाले से अगर बात करें तो तजारत में ये राह बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ से अफ़गानिस्तान तकरीबन यहाँ से 56 किलोमीटर है तुरहम बॉर्डर, जो पाक अफगान बॉर्डर है, और यहाँ से सेंट्रल एशिया और इंडिया की सारी ट्रेड यहाँ से होती रही है। और उसके बाद ये जनरल अयूब खान ने फिर इसको 1964 में इसको फाइनली बनवाया था, तब से फिर ये बाबे खैबर के नाम से जाना जाता है।
जी, तो बाबे खैबर से हम वापस आ गए हैं। मेरे पीछे आप देखें दोनों मोटरसाइकिल खड़े हैं, हम चार लोग हैं तभी। और अब हम यहाँ से पेशावर कारखाना मार्केट जाएंगे। कारखाना मार्केट में देखेंगे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, किस रेट में मिलती हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, और बाद में कारखाना मार्केट देख के उसके बाद आगे। और यहाँ पे आती है पहली मार्केट है सतारा मार्केट। सतारा मार्केट में यहाँ पे आपने जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है जो स्मगल होके आती है, भी मिलती है। आए थोड़ा सा विजिट मैं आपको करवाता हूँ सतारा मार्केट का। मौजूद हूँ इस टाइम कारखाना बाज़ार में, और ये पहले से तो काफ़ी अच्छी मार्केट तैयार हो गई है। मतलब कुछ दुकानें बहुत अच्छी हैं और तकरीबन यहाँ से हर चीज़ मिलती है। मैं हमेशा करते हैं कि आपको जितनी मार्केट है तकरीबन कोशिश करते हैं कि सारी दिखाने की कोशिश करें, लिमिटेड टाइम में हम जितनी फिर सके हम करेंगे। अस्सलामुअलैकुम भाई जान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या सामान मिलता है आपसे? मेरे साथ इसरी है, जूसर है, थर्मास है, वैक्यूम क्लीनर है, केमिक मशीन है, तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान है जी। सारा सामान सही है, ठीक है, शुक्रिया। जी, तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ इस्लामिया कॉलेज, बल्कि इस्लामिया कॉलेज भी हम नहीं गए, हम इस्लामिया कॉलेज की जो कॉफ़ी शॉप बाज़ार है हम उधर आए हैं। और अभी मैं आपको एक कॉफ़ी शॉप बाज़ार दिखाता हूँ, यहाँ पे जूते बनते हैं, पेशावरी चप्पल यहाँ पे बनाई जाती है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, आए हैं आकर विज़िट करके देखते हैं कैसी है। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी 1913 में बनाई गई। ये पहले सिर्फ कॉलेज की हैसियत से काम कर रही थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सन 2008 में यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुआ। जी, तो हम इस टाइम मौजूद हैं किस्सा खानी बाज़ार में। थोड़ा सा आगे आएँ तो आता है सराफा बाज़ार। सराफा बाज़ार में हम यादगार चौक में, ये मेरे पीछे आप देखें, अभी आपको सारा यादगार चौक भी दिखाते हैं और इसके पास घंटा घर है, वहाँ भी जाएंगे। तो सारा अभी हम इसको विजिट करते हैं, देखते हैं कैसी जगह है। चलें
मस्जिद मोहब्बत खान 1660 से 1670 में बनाई गई, इसका नाम उस वक्त के गवर्नर नवाब मोहब्बत खान के नाम से रखा गया। मैं मौजूद हूँ इस टाइम बालासार फोर्ट, और बालासार फोर्ट में यार अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, ये एफसी का हेडक्वार्टर बन चुका है। पहले किसी टाइम पे सिविलियंस को अंदर जाने की इजाज़त होती थी, लेकिन अब काफ़ी देर से, तकरीबन जब से कोविड है, तो तब से तो वैसे ही कोविड की प्रिकॉशंस के लिए अंदर जाने नहीं देते, लेकिन अभी हमने किला बालासार अंदरून शहर की तरफ जाते हुए वाकई है। ये किला रॉयल रेजिडेंसी था दुरानी एम्पायर का 1747 से, जो कि अहमद शाह दुरानी के पेशावर फतह करने के बाद इस्तेमाल हुआ। इसके बाद सिखों ने 1823 में पेशावर फतह किया, तो उन्होंने इसको दोबारा बनाया, और इसके बाद अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने किले की बाउंड्री वॉल का काम किया, और अब ये किला हेडक्वार्टर है एफसी पुलिस का। मैं मौजूद हूँ इस टाइम नमक मंडी में, और अगर आप नमक मंडी आए हैं और निसार चर्सी के पास नहीं रुके तो आपने कुछ नहीं किया। अब हम जाएंगे निसार चर्सी के पास, और यहाँ से निसार चर्सी दिखा हमारे बिल्कुल बैक साइड पर है, ये बिल्कुल ये है मेरे बैक साइड पर। अब हम इसके अंदर जाएँगे, यकातूत गेट, ये बाज़ार का अंदरून है, मतलब यकातूत गेट से अगर आप अंदर आते हैं तो आपको ये जगह मिलती है, और अगर आप पतंग उड़ाने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे हैं, ये बिल्कुल जगह आपकी आप ही के लिए बनी है। मैं आपको तरह ना यहाँ पे दो तीन शॉप्स हैं वो विज़िट करवाता हूँ। तो हम मौजूद हैं गोरखत्री, जिसको तहसील पार्क भी बोला जाता है, और अभी बस हम इसके अंदर जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं इसमें क्या कुछ है, बाकी अंदर चल के आपको इसकी हिस्ट्री सारी बताते हैं। गोरखत्री, जिसे तहसील पार्क भी कहा जाता है, कदीम शहर में वाक़ है। ये अलेक्जेंडर कनिंगम ने दराफ्त किया, और हिस्टोरियंस का कहना है कि वही जगह है जहां बुद्धा जायंट बाउल रखा गया था। उसके बाद 16वीं सदी में जहां आरा बेगम, जो के मुग़ल बादशाह शाहजहां की बेटी थी,
उन्होंने यहाँ एक पवेलियन बनाया जो कि कारवान सराय या बाद में सराय जहानाबाद कहलाता था। यहाँ पर जामिया मस्जिद, तालाब और कुएं बनाए गए ताकि मुसाफिरों को तकलीफ ना हो। बाद में जब सिखों ने पेशावर फतह किया तो उन्होंने इसको अपने एक जनरल के लिए रहायशगाह और हेडक्वार्टर में तब्दील कर दिया, जो पेशावर के गवर्नर रहे 1838 से 42 तक, और उन्होंने यहाँ पर एक शिव का मंदिर बनाया। तो अब हम यहाँ पे सेठी मोहल्ला आए हैं, और सेठी मोहल्ला आके हमने क्या देखा कि यहाँ पे शूटिंग हो रही है मूवी मैं हूँ तेरी गुलनाज की, और यहाँ पे इनकी हीरोइन है मायरा खान। सेट रेडी किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि हीरो और मायरा खान जो इस मूवी की हीरोइन है वो यहाँ पे आएंगी, और फिर इसकी बकायदा से यहाँ पे जो इन्होंने आज इन्होंने सीन यहाँ पे शूट करना है उसकी शूटिंग स्टार्ट करेंगे।